सोदा फैक्ट्री में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा में। यहाँ पर जो पब्लिक आ रही है उनसे बातचीत करके जानते हैं कि लोगों का कैसा अनुभव है डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा के साथ। नमस्कार सर, आपका गुड नेम? सतगुरु तेरा सर, सुभाष ग्रोवर है। सुभाष जी, कितने समय से आ रहे हो आप डेरा सच्चा? हम यहाँ 26 साल से आ रहे हैं। सर, कैसा लगता है आपको माहौल यहाँ? बहुत अच्छा लगता है, स्वर्ग है। सर, यहाँ के बारे में बहुत मीडिया में अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी, क्या मानते हो सर उन सब के बारे में? सब फिजूल है जी, सतगुरु हमारे बिल्कुल पाक पवित्र हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो संत जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं सब झूठे हैं। फिर सच क्या है सर, संत जी ने समाज के लिए, लोगों के लिए क्या काम किए हैं, क्या कदम उठाए हैं? भलाई के 139 कार्य हैं जी गुरु जी ने, आज भी चल रहे हैं। यूँ के तो गुरु जी कहीं भी हैं, चाहे हमारे भलाई के कार्य चलते रहेंगे, उनकी पावन प्रेरणा से ये काम चल रहे हैं। जरूरत है सर उनकी समाज की? हाँ जी जरूरत है समाज की, क्योंकि युवा पीढ़ी है नशों की तरफ जा रही है। क्यों जरूरत है सर? मतलब सर जी, गुरु ने बहुत लोगों का नशा छुड़ाया है, जैसे लोगों को प्रेरणा दी है ब्लड दान, जीते जी गुर्दा दान, मानोपरांत बॉडी दान। क्या सर, मांग करोगे सर सरकार से? संत सरकार से मांग है, ये हमारे गुरु जी बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको पूर्ण रिहा करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिहाई की मांग की जा रही है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा के लिए। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट्री के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।